तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हमारी नजर है, जो कि दिल्ली में प्रवेश करते हुए आश्रम पहुंच चुकी है। और अभी जानकारी हमारे पास यह है कि राहुल गांधी और उनका परिवार अभी वैनिटी वैन में मौजूद हैं, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। उसके बाद ये यात्रा आईटीओ होते हुए, इंडिया गेट होते हुए लाल किले की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि शाम 4:30 बजे का समय है जब इस यात्रा को लाल किले पहुंच रहे हैं। खबर यह भी है कि वहां पर राहुल गांधी का संबोधन भी होगा। आज क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने निशाना साधा है कि मेरी इस यात्रा का मकसद जो है वो आपस में प्यार को बढ़ाना है। हिंदुस्तान एक बहुत प्यारा सा देश है, उसमें नफरत की जो दुकान खोली है, नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं उसमें मैं प्यार की दुकान खोलने आया हूं, सबके बीच में प्यार फैलाने आया हूं। ये राहुल गांधी ने कहा है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। पल्लवी मेरे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। पल्लवी, भारत जोड़ो यात्रा का 108वां दिन है, इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं दिल्ली में? नहीं है पल्लवी, ये तो बंद कर रहा है, अभी तो हो गया फिलहाल। पल्लवी से भी संपर्क हमारा नहीं हो रहा है, थोड़ी देर में हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। संजीव, मुझे ब्रेक पर जाना था, आप लोगों से लगातार बात कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग थी, जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं उसको कंटिन्यू कीजिए संजीव। थोड़ी देर में हम अपने जो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं, जो इस भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं, कि करके हम उनके पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने ये कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, यही मेरा मकसद है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति से परे ये यात्रा महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, डर को लेकर है, सीधे इसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। अभी यात्रा को लेकर अपडेट यह है कि आश्रम में रुकी हुई है। आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं, 7 सितंबर वो तारीख थी जब कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई और उस यात्रा ने अब तक 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है, जिसमें जब राहुल गांधी तमाम राज्यों से होकर इस यात्रा के जरिए गुजर रहे थे तो उसमें तमाम वर्ग के लोगों का उनको साथ मिला, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हों या फिर किसी अन्य वर्ग से आते हों, छोटे बच्चों तक की, छोटे छोटे जो शोरील थे, वीडियोस थे जो राहुल गांधी उनसे बातचीत कर रहे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, उनका भी साथ मिला, उनसे भी राहुल गांधी ने बात की, जो स्टूडेंट्स थे उनसे भी उन्होंने बात की, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने खूब इस यात्रा में अपना साथ दिया, राहुल गांधी के साथ कदम ताल किया। प्रियंका गांधी कई बार इस यात्रा का हिस्सा बन चुकी हैं और सोनिया गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा बन चुकी हैं और आज दिल्ली में एक बार फिर से गांधी परिवार एकजुट हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।